अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान शाहिद रज़ा कादरी हाजिर खिदमत एक नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, पिछले वीडियोस में हमने जिस मालूमात के बारे में हासिल की थी, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। तो आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें आदम अलैहि सलाम के लिए मिट्टी ली गई। अब ये मिट्टी कहाँ से ली गई, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। आदम अलैहि सलाम के जिस्म अधर की तखलीक के लिए मिट्टी लाने के लिए हजरत जिब्रील को जमीन पर भेजा गया। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहि सलाम जमीन पर आए, अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर आए मिट्टी लेने के लिए। फिर क्या हुआ, जब आप तशरीफ लाए तो जमीन से मिट्टी लेने का इरादा किया तो जमीन ने बड़ी आजिजी और इंकसारी गिरिया गुजारी से अर्ज किया कि मेरी मिट्टी से बनने वाले शख्सों ने अगर खून रेजियां की या वो जराइम की वजह से जहन्नुम में गए तो तकलीफ होगी। कि मिट्टी ने बताया, मिट्टी ने ये कहा, मिट्टी ने जिब्रील अलैहि सलाम से बात की कि अगर मेरी मिट्टी से बने हुए लोगों ने जराइम किए, खून रेजियां की, कुछ गुनाह किए, बहुत सारे गुनाह किए तो मुझे तकलीफ होगी, जहन्नुम में जाएंगे वो। तो जिब्रील अलैहि सलाम वापस चले गए। जिब्रील अलैहि सलाम जमीन की आजिजी को देखकर वापस चले गए। वापस जाने के बाद अल्लाह ताला के पास पहुंचे। अल्लाह ताला के पास जाने के बाद उन्हें सारी बातें मामला सामने पेश किया। फिर अल्लाह ताला ने इस्राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इस्राफील अलैहिस्सलाम भी आकर वापस आ गए। गए वहां पर जमीन के पास, जमीन के सामने यही माजरा पेश आया, वो भी वापस आ गए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी गए, वो भी जाकर वहां से वापस आ गए, यही माजरा पेश आया। फिर आखिर में तो अल्लाह ताला ने जब आखिर में इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, इज़राइल अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा गया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से भी यही गुफ्तगू की और यही सारे मामला पेश किए, गिरिया बिजारी की। तो उसके बाद जवाब क्या दिया, आपने कहा कि मैं तेरी बात तस्लीम करूं या अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करूं। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मुझे तो मिट्टी जरूरी ही ले जाना है। आपने जमीन की इंकसारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इरशाद बारी ताला के मुताबिक जमीन से मिट्टी लेकर रब ताला के हुजूर हाजिर हो गए। इस वजह से इसका कंक्लूजन क्या निकला, इस वजह से अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करना भी इनके सुपुर्द किया कि ऐसा ना हो कि जिब्रील, मिकाइल, इस्राफील में से किसी की जिम्मेदारी लगाया तो रूह कब्ज करने के लिए जाए तो फैमिली वालों को देखकर, उनकी रोते हुए, उन लोगों को रोते हुए देखकर वापस छोड़ के ना आ जाए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को इस वजह से ही रूह कब्ज करने का काम दे दिया गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम इस वजह से ही रूह कब्ज करते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे ये वाकया पेश आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए, फिर इस्राफील अलैहिस्सलाम आए, फिर उसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, फिर आखिर में इज़राइल अलैहिस्सलाम गए और इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आ गए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें काम दे दिया रूह कब्ज करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि ये मालूमात लोगों की तरफ पहुंचे, लोगों को भी इस मालूमात के बारे में पता चल सके। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।